नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के किसान अब ओला और उबर की तरह किराए पर कृषि यंत्रों को मंगा सकते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, सीधे खेत तक कृषि यंत्र को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी लगभग पूरी है। जिस यंत्र की आपको जरूरत है उसकी बुकिंग ऐप से करें और उसका भुगतान भी करें। दरअसल मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पहले चरण में 2923 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक बनाए जा रहे हैं। 439 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। 1803 पैक्सों में यंत्र बैंक बन गए हैं। अब यह काम ऑफलाइन हो रहा है। जल्दी चुनिंदा पैक्सों में संयंत्र बैंक बनाकर मोबाइल ऐप से जोड़ दिया जाएगा। आपको बताया कि 15 जुलाई से कृषि यंत्र बुकिंग ऐप के शुरू होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि बेहद कम दाम पर यह उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारिता विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। इस योजना से सूबे के छोटे और मध्य वर्गीय किसानों को फायदा होगा। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कृषि यंत्र का रेट कैसे तय होगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि बुकिंग करने के बाद किसान को एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा जिसमें वे किराए पर कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकेंगे। किराया तय करने के लिए प्रमंडल स्तर पर कमेटी है। इसमें संबंधित पैक्स के अध्यक्ष, संयुक्त निबंधक, सहकारिता पदाधिकारी, क्षेत्र के दो किसान एवं अन्य सदस्य होंगे। ये कमेटी उपकरणों का किराया तय करेगी। इस कृषि यंत्र को कैसे मंगाया जा सकता है तो उसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर या विभाग की वेबसाइट से जाकर दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करें। अपना नंबर, नाम और बाकी मांगी गई जानकारी को उसमें फीड करें या डालें। इसके बाद जो भी कृषि यंत्र चाहिए उसे देखें और बुकिंग कर लें। बुक करने के बाद आपको बुकिंग नंबर और टाइम स्लॉट मिलेगा। टाइम के अनुसार खेत तक कृषि यंत्र पहुंच जाएगा तो बेहद आसानी से अब आप ओला और यूबर की तरह कृषि यंत्र भी मंगा सकेंगे, वो भी ऑन रेंट। इसको मंगाने की प्रक्रिया क्या है वो भी हमने आपको इस खबर में बताई। साथ ही साथ इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर पहले विभाग की वेबसाइट से जाकर लिंक से आपको डाउनलोड करना होगा और आगे की प्रक्रिया उस ऐप में जाने के बाद आपको समझ आएगी। उस प्रक्रिया के तहत आपको आगे बढ़ना होगा और फिर इसकी बुकिंग करनी होगी, जिसके बाद आपको टाइम स्लॉट मिलेगा और जो है आप ऑन रेंट कृषि यंत्र को मंगा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते हैं तो। इस ऐप की शुरुआत 15 जुलाई से होने की संभावना जताई जा रही है। रेट कैसे तय किया जाएगा वो भी आपने इस खबर में जाना। तो किसानों को एक बड़ा फायदा सरकार देने जा रही है ताकि खेती करने में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई रुकावट ना आए, किसान खेती आराम से कर सके और आधुनिकीकरण के साथ अब किसानों को सहूलियत मिले। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।